हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इफ़ यू आर न्यू हेयर name is अंतिमा Dubey. आई मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर हेयर केयर मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो another बैक विद एन अदर स्किन केयर फ्रॉम एमेजन हॉल वीडियो क्योंकि मुझे लगा कि अभी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव है तो फटाफट से एक और रिकमेंडेशन वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल सके मैंने भी इस बार वही चीज़ें ली हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में थी क्योंकि इस बार ना बहुत ही अच्छे ऑफर्स एंड डील्स आपको मिल जाएगी काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा सो so, इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट -फड़ से एक स्किन केयर हॉल वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं सो विदाउट एनी लेट्स मूव ऑन तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है ये एसिड जेल जिसका नाम है हयालू जेल प्राइस इसका है टू सेवेंटी रूपीज लेकिन अभी अमेजन पर आपको ये टू हंड्रेड के अराउंड मिल जाएगा एंड अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन में हाइलोरॉनिक एसिड यूज करते हैं तो इसको जरूर एक बार करना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये खत्म होने वाला था तो ये बैकअप मैंने मंगा लिया है क्योंकि यू you नो know, सेल अभी चल रही है तो डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो बहुत ही सॉफ्ट बना देता है उसको काफी डीपली हाइड्रेट करता है मतलब इसका जो काम होता है आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखने का काम होता है तो अभी विंटर भी आ रही है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अगला जो प्रोडक्ट है वो है फॉक्सटेल का रेटिनॉल नाइट सरम अगर आप पच्चीस क्रॉस कर चुके हो एंड एंटी एज

जाएगा अगर आपको ना ट्राई करना लाइक इसको ट्राई करना है एक डेढ़ महीने आपको डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे उसके बाद है ये हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सिरम और ये मेरा दूसरा पैक है इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर किया है अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं प्राइस इसका फोन नाइनटी नाइन है लेकिन अभी इस पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोग ले सकते हैं इसको ऑनेस्टली बोलो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको बहुत ज्यादा इसे चेंजेस देखने को मिलेंगे बट अगर हल्के फुल्के डार्क स्पॉट है आपकी स्किन पर या स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है तो इसको यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा एंड हल्के फुल्के डार्क स्पॉट को भी ये अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसको धीरे धीरे ये फेड कर देगा एंड काफ़ी लाइट वेट सिरम है तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लाइक मेकअप वगैरह कर रहे हो उसके नीचे यूज़ कर लिया या ऐसे ही यूज़ कर लिया कभी होता है कि स्किन केयर करने का प्रॉपर मन नहीं है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हो तो ऐसे ऑन एंड ऑफ करके मैं इसको यूज करती हूँ एंड बहुत ही जैसा कि मैंने बोला कि लाइट वेट है देख सकते हैं तो अभी फेस्टिव सीजन है थोड़ा सा मुझे स्किन पे ग्लो चाहिए था तो मैंने सोचा कि इसको एक और पैक कर ट्राई करते हैं एंड अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं वो जो लाइक दो महीने या दो पैक के बाद का क्या रिजल्ट होता है इस तरह की वीडियो तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी उसके बाद है ये टैग की कुमकुमादी सनस्क्रीन मॉइस्चराइजिंग एस पी एफ फिफ्टी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें आपको पी ए ट्रिपल प्लस की प्रोटेक्ट क्शन मिल जाती है ऑनेस्टली बोलू मैंने टैग का अभी तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है सो so, इसको मैंने देखा तो इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट था तो मैंने सोचा कि ये मतलब मुहूर्त करने का सही टाइम है इसको मंगवा लेते हैं एंड इसको मैं ट्राई करूंगी एंड देन डेफिनेटली इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है आई थिंक इनकी ये नई रेंज है सो so, देखते हैं कि ये कैसी होगी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन भी थोड़ा सा मेरे ऊपर आएगा अगर ये प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो और उसके बाद द फॉर्मूला एक्स का एयर ब्रश फेशियल लैक्टिक एसिड इसका जो प्राइस है मैं मैं आपको बता दूं है ऑनेस्टली बोलूंगी कि मैंने अभी तक खुद से खरीद के इतना महंगा स्किन केयर नहीं यूज किया है मतलब मेरा जो जब मैं खुद से परचेज करती हूँ तो वो फाइव सिक्स हंड्रेड इतना ही होता है एंड ब्रांड की तरफ से आता है तो वो बात अलग है बट इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत रिव्यू सुने थे और बहुत पॉजिटिव रिव्यू सुने थे तो मुझे ना इसको एक बार ट्राई करना था एंड ये भी नई ब्रांड है तो देखना था कि यू you नो know, कि इस इस ब्रांड के प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे होते हैं ताकि मैं और भी सकूं भी ट्राई कर एंड काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था और यही रीजन था कि मैंने कि मैंने सोचा ये सही टाइम में इसको ट्राई कर लेते हैं अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है एंड इसको खोल के मैं यूज करूँगी एंड देन आपको पंद्रह बीस दिन या एक महीने बाद इसका जो रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मेरे चैनल पर बने रहना एंड दैट्स इट फॉर टूडेज गाइस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चाहिए चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बगल में छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक यू